गाइस, मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने की बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताने वाली हूं। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूं, अगर आप मेरे इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगेगा। अगर आप अपने ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करना चाहते हैं तो इन एक्सरसाइजेस को करने से भी आपके ब्रेस्ट लिफ्ट अप हो जाएंगे। ये होगा तब अगर आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करेंगे, वन डे भी मिस नहीं करेंगे। सो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स में अपनी बॉटल को होल्ड करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों लेग्स को जॉइन करके रखना है, अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करना है फ्रंट साइड, देन बैक साइड लेके आना है, अपने बॉटल को चेस्ट से टच करना है, अगेन फ्रंट अगेन बैक, इसको ऑल 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स में अपने दोनों बॉटल को होल्ड करके रखना है, सेम आपको अपने दोनों लेग्स को जॉइन कर रखना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है, देन अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड अप साइड स्ट्रेट करना है, देन डाउन साइड लेके आना है, अगेन फ्रंट अप अगेन डाउन, इसको भी ऑनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने दोनों हैंड्स में अपने बॉटल को होल्ड करके रखना है, अपने दोनों लेग्स को जॉइन करके। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड अप साइड उठाना है, स्वेट करके रखना है, देन अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके दोनों बॉटल्स को आपको बैक साइड लेके आना है, अगेन फ्रंट अगेन बैक, इसको भी ऑल 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसमें भी आपको अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करके रखना है। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को जॉइन करके दोनों लेग्स स्किन को बेंड करके डाउन साइड जाना है, दोनों लेग्स स्किन को बेंड करना है, देन अपने दोनों हैंड्स में बॉटल को होल्ड करके फर्स्ट आपको अपने राइट हैंड को यूज करना है। राइट हैंड को आपको फर्स्ट अपसाइड लेके जाना है, अपने राइट हैंड के एल्बो को बेंड करके रखना है, देन डाउन अगेन अप डाउन, राइट साइड 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम आपको अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है, लेफ्ट हैंड को फर्स्ट राइट साइड अप साइड लेके जाना है, देन डाउन लेफ्ट साइड 15 के 2 सेट्स करने हैं, राइट साइड 15 के 2, देन आपको लेफ्ट साइड भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके रखना है, अपने दोनों हैंड्स में आपको बॉटल को होल्ड करके अपने चेस्ट को फ्रंट साइड यानी कि अप साइड पुश करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को अप साइड लेके आना है, स्ट्रेट करके रखना है, देन डाउन साइड लेके आना है,
इसको हमने 15 के 4 चेक्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने मैट पे लिखना है, देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके अपने दोनों हैंड्स में बॉटल को होल्ड करके फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड स्ट्रेट करना है, देन अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके डाउन साइड लेके आना है इसको। अगेन आप इसको भी 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने दोनों हैंड्स में अपने बॉटल को होल्ड करके रखना है, अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स अपने दोनों बॉटल्स को अपने बैक साइड लेके जाना है, यानी कि हेड के पास लेके जाना है, देन अपने चेस्ट को फ्रंट साइड अप साइड पुश करना है, देन अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड लेके आना है। Again back, again front, इसको भी only 15 के 4 sets करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने की बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताई है, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।